पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया जो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ तो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मनियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए बलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसीलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुन शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। छठा अध्याय को यहाँ पे विराम देते हैं। अगला सातवां अध्याय अगली वीडियो में जरूर सुनिए। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।